चलो करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब वेलकम होगा आपका मानी ब्लॉग में। तो जनाब आज का सीन कुछ इस तरह का है कि आज आपको जो है ना जी गांव की जो है ना लाइफ ज़िंदगी वो बताएंगे इंशाल्लाह भाई विलेज लाइफ कैसी होती है। तो चलते हैं अपने मिशन की तरफ आए हुए हैं। तो जो है ना जनाब अभी सीन कुछ इस तरह का है कि अभी जो है ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं नुमान भाई और कासिम भाई। इस तरह कौन फेंकता है यार दुनिया के हालात देखे और आगे से डिलीवरी देते हुए नुमान भी टांगों के साथ खेलना हमें उसका कोई नहीं आता जनाब। ये है कि बस और मौसम माशाल्लाह बहुत ही उम्दा ये नुमान भाई आप नहीं अच्छा। तो जनाब नहाने के बाद बारिश इंजॉय करने के बाद जो है ना जी और कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए जी भाई बिल्कुल जो है ना नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। तो बस अचानक से प्रोग्राम बना है यार आज खुद जो है ना दूसरा करते हैं कुकिंग वगैरह करते हैं। तो नुमान भाई ने प्रोग्राम बनाया कि यार हम जो है आज बनाते हैं जी चाट। काफ़ी दिल कर रहा था इनका भाई जो है ना देसी स्टाइल में चाट बना रहे हैं जनाब और माशाल्लाह बहुत ही जायका है नुमान भाई के हाथों में। ये बात माननी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी कि जायका है इनके हाथों में सही है और बहुत ही लजीज और उम्दा चीज़ें और खाने बनाते हैं जी माशाल्लाह। और वैसे भी जो है आदमियों को जो है ना खुद पकाने की आदत डालनी चाहिए अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। बाकी ये है कि अभी जो है हमारी सेटिंग वगैरह चल रही है तो वो जी सामान वगैरह हम ला के रखे हुए हैं जी सामान वगैरह हमने सब कुछ लाया जी। ये हमने जो है ना स्नैक्स ला के रखे हुए हैं जी बाकी टमाटर प्याज चम्मच वगैरह सब कुछ रेडी है जी। और बस अन करीब जो है ना ये हमारे नन्हे मुन्ने शहजादी भी जाना बस अभी जो है चाट बनने लगी है जी बस उसकी तैयारी में है जी इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे और अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से जो है ना प्यारी चाट बन जाए बाकी अच्छा। तो पहले सबसे पहले जो हमने किए हैं ना जी आलू बॉयल किए हैं वो आपको दिखाते हैं और ये जी हमने जो है ना तंदूर में बॉयल किए हैं क्योंकि गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और ये क्या इधर आलू ही नहीं है ओह ये सीन पड़ गया जी हमारे साथ। इधर भाईजान हमने आलू रखे थे यहाँ पे तो पापड़ के वो जो है स्निप रैपर पड़े हुए बाकी आलू ओ ये अंदर पड़े हुए यार हमें पता ही नहीं है पड़े हुए। और बाकी जो है कि नुमान भाई जो है ना छील रहे हैं आलू अंदर पड़े हुए नुमान भाई ने बाहर भेज दिया जी तंदूर बिल्कुल खाली था जनाब माशाल्लाह। और ये जनाब अभी जो है ना आलू वगैरह छील रहे हैं जी माशाल्लाह बड़े धीमे हाथों से। और ये तो इस तरह इन्होंने आलू को छीला है जिस तरह वो दूसरा नहीं करते हैं तो दूर रहना भाई आलू को इसने नुमान भाई इस तरह छील रहे हैं ना जिस तरह वो एवोकाडो जो फ्रूट नहीं है माशाल्लाह जो है ना नुमान भाई अब अभी आलू का जो है ना कचूमर निकाल रहे हैं जी। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जो है ना उम्दा चीज़ बनेगी माशाल्लाह नुमान भाई क्या ये बाकी ये जी स्नेह जी आज बिल्कुल जो है ना नुमान भाई जो है ना बिल्कुल जो है ना एक नई किस्म की चाट बनने लगी है मेरे ख्याल से। तो फिलहाल तो अभी तक जो है ना एक ही आलू डाला है बाकी फिर देखते हैं और कितने आलूस जो है ना इसके अंदर जाएंगे। बाकी यही है कि यार ख़ुद जो है ना कुकिंग का शौक़ रखें खुद कुकिंग करें मर्द के हाथ में बहुत ही जायका पाया जाता है। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जब मैं पाकिस्तान था तो बहुत कम कुकिंग करता था जब दुबई गया उधर काम वगैरह किया कुकिंग करते थे माशाल्लाह बहुत ही जो है ना अच्छा जायका आया अपने हाथ में और बड़ा जो है ना उम्दा जायका पता चला कि यार हम भी पका सकते हैं और इतना अच्छा खाना पका सकता हूँ कि ये माशाल्लाह। वैसे खुद मुंह के अपने से ये नहीं है बाकी दूसरा आलू कटा जा रहा है जी और हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये नुमान भाई के लिए एक थोड़ी सी मैं आसानी कर देता हूँ कि ये आलू वगैरह भी जो है ना इधर इनके पास रख देता हूँ इन्हें फिर जो है ना वो टर्न ना करना पड़े ये ना हो कि यहाँ से इन्हें वहाँ ना जाना पड़े इजीली जो है ना यहाँ पे रख के ना ये काट लें। और
ये कर लें, और ये दूसरा आलू आ गया जी, चल कर दें। तो उन्हें जो है ना ये थोड़ा सा सामान वगैरह खोल के दे दें, और बाकी ये है कि उन्हें मसाले वगैरह तैयार करके दे दें ताकि जो है ना उनके लिए खानी बन जाए। और ये जो नुमान भाई आप लें, नहीं ये पहले डाल दें जी स्नैक्स, डाल दें जी स्नैक्स पापड़, और इसको जो है ना मिक्स किया जाएगा जी इंशाल्लाह। एक नई चीज़ बन रही है, एक नई लुक इस तरह लग रहा है कि हमको अरे अंग्रेज़ों वाला निज़ाम कर रहे हैं माशाल्लाह, देसी स्टाइल में, और बेहतरीन चीज़ बन रही है जो माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना इसमें जायका ही बेहतरीन आला जायका इसमें पड़ जाए जनाब। और इसमें जो है ना तरह तरह के पापड़ डाल दिए जी, ये समोसा पापड़ के मेरे फेवरेट, और इंशाल्लाह जो है ना इनको मैं फड़फड़ करूँगा। ओए ये देखें स्मैश स्मैश हो रहा है जनाब, और वो चम्मच से भी कर सकते थे पर हाथ से जो जायका आता है ना हाथ से उसका एक अलग ही मज़ा है। चम्मच से हम हकीका बात बताऊँ तो मैं चम्मच से खाना भी नहीं खाता, जो हाथ में लज्जत है ना वो चम्मच में नहीं है। तो ये जी माशाल्लाह नुमान भैया अपने बाबर का तौर को लगे हुए हैं जी पूरे ज़ोरों शोरों से, हमें मैं इनके घर में मान आया हूँ तो वो जनाब जो है ना ये मेरी दावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस्मान भाई जो है ना मैं आज आपको अपने हाथों से चाट बना के खिलाऊंगा। मैंने बोला यार जज़ाकल्ला आप खिलाएं जनाब, अल्लाह ताला जो है ना आपको दे। बाकी ये है कि अभी इनका जो है ना थोड़ा सा मसाला सही मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी ये है कि जनाब इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें भाई इसका जायका कैसा बना है जी माशाल्लाह। इसमें टमाटर भाई ना बेहतरीन मज़ेदार है। गाँव आया हूँ तो पैंट शर्ट वगैरह पहनी है तो सब लोग हैरान हो रहे हैं कि इसने क्या पहन दिया, इतनी सौड़ी सुथड़े पजामे पहन के आ गया, पता नहीं कर क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि यार चलो खैर है, घर में घर में तो सबको पता है बाहर नहीं निकलता, ये ना हो कि गाँव वाले देखें और कहें कि ये सोड़ियों सोड़ियों सुथड़ा पा कौन आ रहा है जी। तो लहजा ये भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इस जनाब ने पहले अचार डाला है, अब ये चीनी लेके आ गया, कहता है कि मैं थोड़ी चीनी डालूँ। मैंने बोला यार खुदा खौफी खा थोड़ी अक्ल कर, बाकी यहाँ से ये जो है ना थोड़े से मसाले जात ले लेता हूँ कि ये गिरेगा भी फिर बहुत, ये गिरा है ये गिर जाएगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं, इधर टिक गया ये कड़ा मसाला। बाकी ये मसाला भी इन्हें नहीं पता कि मसाला कौन सा, ये नेशनल का मसाला है जनाब, बिरयानी मसाला डाल रहे हैं जनाब नुमान भी चाट में बिरयानी, और इनका कोई हाल नहीं है। ये है जी मेरे ख्याल में चाट मसाला है जनाब, ये काली मिर्च बीच में से निकाला है भाई, इनका भी कोई हाल नहीं है। रैपर बाहर में चाट मसाले का लगाया और बीच में इनके काम चेक करें, इसका दिमाग इतना धुत हुआ हुआ है इस वक्त कि ये काली मिर्च डाल चुका था पहले, अभी कह रहा है कि काली मिर्च किधर है, काली मिर्च डालनी है मैंने। मैंने बोला भाई साहब आप जरा आँखें खोल लें, अपने डेले खोल लें, तो आपने काली मिर्च डाल दी है। तो इन भाई साहब ने जो है ना अभी काली मिर्च डाली है जनाब, बाकी सारा सामान वगैरह डाल दिया जो है ना, लाल मिर्च रत्ती मिर्च ढूंढ रहे हैं नुमान भी, रत्ती मिर्च लाल मिर्च ढूंढ रहे हैं। ओए ये मेरी गुड़ पड़ा हुआ है जी, और ये गुड़ जो है ना बकरियों के और जानवरों के खाने वाला गुड़ है, ये इस डब्बे में पड़ा हुआ है जी। और ये है कि ये नुमान भाई ने जो है ना बड़े शौक के तौर पर ये बकरी रखी हुई है जी, उसका ये घोड़ा है खाने की चीज़ है, वो बकरी मैं आपको दिखाता हूँ जी इंशाल्लाह। ये उसका जो है ना जी शायद वो सामान पड़ा हुआ है खाने पीने की, उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाकी हमारी डिश इंशाल्लाह रेडी हो रही है जनाब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके पर। हमारा एक अदर टमाटर तो जैसे नुमान भी बड़े जो है ना फ्रेंच स्टाइल में काट रहे हैं जनाब, माशाल्लाह बहुत ही उमदा स्टाइल में काट रहे हैं जी। और ये आज इस तरह लग रहा है कि जिस तरह प्रोफेशनल शेफ़ हमने बुलाए जी जनाब, ये तुर्किश में काम करते थे लेकिन हमने बहुत ही जो है ना मुश्किल से इनकी डेट्स ली हैं और कहा है कि आप एक दो दिन के लिए जो है ना हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हमें ये कुछ सामान वगैरह काट के दें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी सर। तो जनाब इनके बहुत बहुत शुक्रिया, हम इनके बड़े मशहूर हैं जनाब, जो इन्होंने अपने ये मुझे थोड़ी चढ़ जाती है उर्दू, और ये अपने लजीज हाथों से माशाल्लाह मिक्स करते हुए अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम दे। और एक बात है भाई, जो बंदा ये काम शकून है शकून है शकून है, बाकी ये हमारा नन्ना शहजादा। नेक्स्ट ही प्रोग्राम चेंज हो चुका है जी, या बनेंगे मैक्रोनीस तो या बनेंगे जी मैक्रोनीस बनेंगे या बनेंगे जी, अभी पकोड़े प्रोग्राम बना था जी, वो बेसन लाना पड़ता है, तो वो हमारा जो है ना वक्त करने का जो है ना हमारा दिल नहीं करता, अभी शॉप पे जाएं और सामान वगैरह लाएं। तो लिहाजा बात यह है कि अभी मसाला वगैरह तैयार हो चुका है, तो हमने सोचा कि यार समोसे बना लेते हैं। अब पता नहीं डिसीजन नहीं ले रहे कि हम करें कि तो करें क्या,
अच्छा बंदा पूछे ना इस बंदे से यार लग रही तूने करना है क्या है, छोटा सा मसाला यार थोड़ी सी चस्का लगाने के लिए तूने बनाई है तो बना माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है जी माशाल्लाह, हाथ के सफाई से माशाल्लाह बहुत ही उम्दा चीज़ बन चुकी है। अब पता नहीं मेरे ख्याल से समोसे बनाने का प्रोग्राम बन रहा है जी हमारा, कि मैदा पड़ा हुआ है और उसे जो है ना करके गूंद वगैरह करके तो उसे उसकी वो बना के समोसे वही बनाते हैं, तो देखते हैं फिर क्या बनता है जी माशाल्लाह। फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि अभी जो है कि हम भाई मैक्रोनी ना बना रहे हैं चाट, ना बन रहे हैं जी समोसे, अब बनने जा रही है जो हमारी मैक्रोनीस वो आपको दिखाते चलें कि ये हमें शुक्र है मिल चुकी है, क्योंकि शॉप पे जाना पड़ता था तो वो हम नहीं गए, तो बाकी अभी देखते हैं जी फिर क्या बनता है, चलें दिखाते हैं आपको इसका प्रोसीजर। बनी तो हमारी बॉयल हो रही है जी यहाँ पे, बाकी इंशाल्लाह यार हमारे डिसीजन का पता नहीं चलता कि हम क्या क्या करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गैस वगैरह आती नहीं है तो इसलिए हम जो है ना सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं गांव में, तो सिलेंडर से यहाँ पहुँच रही है जी मैक्रोनीज वगैरह हमारी बॉयल होती हैं, तो फिर अगला प्रोग्राम करते हैं जी। माशाल्लाह मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, मैक्रोनीज बिल्कुल जो है ना बॉयल वगैरह हो चुकी हैं, वैसे एक टेस्ट कर लेनी चाहिए कि इनका जो है ना बॉयल हुई है कि नहीं हुई है, बाकी गरम काफ़ी है, हो गई है माशाल्लाह। अब हम प्लेट्स वगैरह ले आए हैं जी, और ये पहले जा रही है जो हमारी मैक्रोनीज हमारी आ चुकी हैं जी, अभी इसके बाद जो है ना जी हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला इस पर डालते हैं जी ना। बनाया हमने कोई अंग्रेज़ी खाना पता नहीं अब बनना क्या है इसका भी जो है ना, हमें भी खुद जो है ना आइडिया नहीं है फिलहाल। और ये मैक्रोनीज आ गई, और मैक्रोनीज के ऊपर आने लगा है जी हमारा स्पेशल डिश जो हमारी मेन कोर्स डिश है, ये मसाला आ गया जी। ओए होए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारे नुमान भाई जो है ना पतीली को सही रगड़ रगड़ के ना सफाई उसकी कर रहे हैं माशाल्लाह, निकला चिपक ही गया बिल्कुल आ गया निकला जो है ना मिक्स हो रहा है, और क्योंकि ये मिक्स तो कर रहे हैं पर ये है कि जनाब ये जो है ना हमारा खाना मिक्स हो चुका है जी प्रॉपरली, तो ये है कि अभी जो है ना इसे खाने की तैयारी करते हैं जनाब माशाल्लाह, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज डिश नज़र तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज आ रही है। बाकी ये है कि यहाँ पे एक और पिलो हैं जी, वो भी ऊपर हमने जो है ना डाल दिया जी और ज़्यादा बेहतरीन, और ये जनाब बिल्कुल हमारी डिश तैयार हो चुकी है जी माशाल्लाह, बहुत ही जो है ना बेहतरीन डिश तैयार हो चुकी है जी, और बिल्कुल ये इस तरह लग रहा है कि तुर्किश की डिश हमने बनाई है। और ये जी हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनीज है जी, ये हमारी अपनी ख़ुद की रेसिपी है जनाब, और इसे हम देंगे इसका नाम जो हमने रखा है वो है जी देसी स्टाइल मैक्रोनीज, तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई करें इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनी है माशाल्लाह, बहुत ही जो है ना जायके में बेहतरीन है, हमने टेस्ट किया माशाल्लाह बहुत ही जो है ना बेहतरीन चीज़ बनी है, और नुमान भाई को हम इस बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इनके हाथ में और जो है ना मजीद जो है ना बरकतें डालें जायका डालें माशाल्लाह, बहुत ही जो है ना प्यारी चीज़ इन्होंने बनाई है और चीज़ बनी है जी माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं जो है ना डेरा लगा दिए और चमचों से जो है ना शुरू हुई है, अभी मैं भी इंशाल्लाह जो है इनके साथ बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जनाब, मैं भी खाना शुरू करता हूँ। आ जाए जिस जिसने जो है ना खाना है तो वो तशरीफ़ ले आ जी खाने के लिए, तो ये है जी ये दोनों चमचों से शुरू हुए हैं और हम दोनों जो है नुमान भाई और मैं हाथ से शुरू हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही जो है ना लजीज बना है जी माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा जो है ना फ्रेंच डिश बनी है जी आज तुर्किश डिश। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था, वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं जनाब को इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, तो अल्लाह हाफिज़।